पति की उम्र 67 वर्ष, पत्नी की 63 वर्ष, बावजूद इसके दोनों के बीच निरंतर विवाद हो रहे थे। आज सुबह भी विवाद हुआ और पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की जान ले ली। पत्नी सेवानिवृत्त शिक्षिका थी। दिल दहला देने वाली यह घटना रविवार की सुबह कोराडी पुलिस स्टेशन की सीमा में स्थित शंभू नगर परिसर में सुबह 8:30 बजे के आसपास सामने आई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारे पति को गिरफ्तार किया है। पति का नाम पुरुषोत्तम अंबिकापति सिन्हा है, जबकि मृतक का नाम मुकुल कुमारी पुरुषोत्तम सिन्हा है। बताया जाता है कि किसी बात को लेकर पिछले कई सालों से पति पत्नी में विवाद चल रहा था। एक साल पहले मुकुल कुमारी की शिकायत पर कोराडी पुलिस ने पुरुषोत्तम के खिलाफ प्रताड़ना का मामला भी दर्ज किया था। अलावा इसके दोनों के ही खिलाफ गैर जमानती मामले भी दर्ज है। इतना ही नहीं, तलाक का मामला भी अदालत में चल रहा है। दोनों की देखभाल करने के लिए एक नौकर भी है। पुलिस के अनुसार रविवार की सुबह मुकुल कुमारी व पुरुषोत्तम के बीच फिर से विवाद हुआ। पुलिस स्टेशन कोराडी के हद में मुकुल कुमारी पुरुषोत्तम सिन्हा यह शंभू नगर में रहती है। उनके पति पुरुषोत्तम कुमार अंबिका पति सिंह सिन्हा यह साथ में रहते हैं, लेकिन उनका आपस में मनमुटाव होने की वजह से और काफ़ी दिन से उनके वाद विवाद होने से वह साथ में रह के भी बहुत उनसे झगड़े होते थे। उस सिलसिले में उन्होंने पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट भी दिया था। उस पर एक आरोपी पे 498 का ऑफेंस भी रजिस्टर्ड है। दिनांक 13/8/2023 को सुबह उनमें वापस से वाद हुआ। उस वाद में इसमें के आरोपी जो है पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा, इन्होंने उनकी बीवी मुकुल कुमारी सिन्हा इनके सर पर कुराड़ी से वार करके उनकी हत्या की। हमको जैसी जानकारी मिली तुरंत हमारी पुलिस टीम और मैं वहाँ पर पहुँचे और आरोपी को ढूंढ के उसको हिरासत में ले लिया। अभी इसमें जो आरोपी पति है पुरुषोत्तम कुमार सिंह सिन्हा, यह चीफ मैनेजर के पोस्ट पर से रिटायर्ड है। उनकी उम्र लगभग 66 साल है। उनकी पत्नी मृतक मुकुल कुमारी सिन्हा, इनकी भी उम्र करीबन 63 साल है और वह केंद्रीय विश्वविद्यालय में से टीचर थे, वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं। दोनों को भी अच्छी पेंशन मिलती थी, लेकिन दोनों में मनमुटाव होने की वजह से अक्सर उनमें झगड़ा होने होता था। इसमें आरोपी को तुरंत अटक कर लिया गया है और आगे का तपास कोराडी पुलिस कर रही है। विवाद इतना बढ़ गया कि पुरुषोत्तम ने मुकुल कुमारी के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। इसमें घटनास्थल पर ही मुकुल कुमारी की मृत्यु हो गई। इसके बाद पुरुषोत्तम घर से बाहर चला गया। नौकर जब कमरे में आया तो उसने खून से सनी मुकुल कुमारी को देखा। यह दृश्य देख वह घबरा गया और घर छोड़कर भाग गया। इस बीच एक नागरिक ने कोराडी पुलिस स्टेशन को घटना की जानकारी दी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।